नमस्कार। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो आजकल क्या कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, लड़कियों के पीछे लगी है। पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की लेडी बनी है, उसके पीछे गवर्नमेंट ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने उसके पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा दी कि ये हो क्या क्या है, हो कैसे क्या। साथ साथ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, वो वहां पे मोर्चुरी बन चुकी है, पाकिस्तानी आर्मी की कब्रगाह बन चुकी है। हम इस पर भी बात करेंगे। साथ में आज सुबह नॉर्थ इंडिया में करीब 12 करोड़ मोबाइल्स पे एक मैसेज आया कि ये इमरजेंसी मैसेज है और हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने भेजा ये मैसेज। ये मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब अटकलें चल रही है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है पाकिस्तान में। ऐसे टाइम पे कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो या वॉर, तो ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये बताएंगे कि क्या करना है आपको। और दुश्मन का प्लेन आ रहा है, आप लोग संभल जाए, आप लोग लाइटें बंद कर लें, आप लोग गड्ढे में घुस जाए, ये सारी चीजें बताएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम डील कर रहे हैं, और ये मैसेज जो था बड़ा अच्छा प्रिपरेशन थी मेरे हिसाब से। सर्जिकल स्ट्राइक हो ना हो वो गवर्नमेंट की इच्छा है, लेकिन ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी थी। हमारे साथ सुमित जैन साहब, यही बात करने के लिए। सुमित जैन साहब को इस समय कौन नहीं जानता, बड़े अच्छी तरह से मतलब अच्छा इनका इंट्रोडक्शन देना बेवकूफी होगी, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। जैन साहब वहां चाइना में रहते हैं और भारत माता के सपूत हैं, चाइना में रह के बिजनेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ काम करते हैं, और वहां पर 4 किताबें भी लिख चुके हैं, अमेजोन में आते रहते हैं इंडिया। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो मैसेज था, मैं इस मैसेज पे ज्यादा डिस्कस क्या करूं, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी हमारी टेस्टिंग थी और हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कहीं बड़ी बाढ़ आ जाए, कहीं बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वॉर के टाइम पे भी यूज किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये था, इंडिया में एक एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, हर आदमी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? रोहित भाई, पहली बात तो ये है कि शायद YouTube के ऊपर, आपके ही चैनल के ऊपर और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को चाइना यूज करेगा भारत के खिलाफ और हमारे ऊपर अक्टूबर नवंबर तक हमले किए जाएंगे। आपको याद होगा, आई वॉज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स। और आपके सामने है कि हमारे देश में हमारे नौ जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। ये अभी शुरुआत है, आगे आगे और भी प्लानिंग चाइना ने की हुई है पाकिस्तान को यूज करने के लिए हमारे खिलाफ एज फार एज सर्जिकल स्ट्राइक इज कंसर्न। अब सर्जिकल स्ट्राइक है एक छोटा सा कट देना, मैं चाहता हूं कि पूंछ ही काटी जाए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है इस पागल कुत्ते जिसका नाम है पाकिस्तान। इसका इलाज एक ही है, इसकी पूंछ को अब काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये चूं चूं करता रहेगा और ये हमें तंग करता रहेगा। मोदी जी ने अमेरिका में जब ट्रम्प था उसके सामने बोला था अब फुल एंड फाइनल होगा। मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो भूल गए हैं, आपने बोला था फुल एंड फाइनल होगा, अगली बार वो फुल एंड फाइनल कब होगा, उसका टाइम कब आएगा, कितनी देर तक हम वेट करते रहेंगे। रोहित भाई, मैंने आज ही एक वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर, आई सेड वन थिंग, जब कोई शेर दूसरे के एरिया में जाता है ना तो वो वेट नहीं करता महीनों की सालों की, वो इमिजिएटली फुल एंड फाइनल उसी वक्त करता है और उसी वक्त एक डिसाइड हो जाता है कि अब नया दादा कौन रहेगा इस इलाके का। ये शायद वो टाइम है जहां पे हमें भी मौन सिंह की तरह मौन नहीं रहना है, अब जो भी करना पड़े, दुनिया आपके साथ है, पावर आपके पास है, आपके पास फुल मेजोरिटी है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, और किस चीज की वेट है। और अगर आप कोई हरकत करते भी हैं पाकिस्तान के साथ और वो वहां से रिटेलिएट करने की कोशिश भी करता है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, देन व्हाई नॉट, व्हाई सर्जिकल स्ट्राइक ओनली, व्हाई नॉट गो फुल एंड फाइनल, काम खत्म करो यार। क्या कर लेगा पाकिस्तान, हमने 370 खत्म किया, क्या किया पाकिस्तान ने, हमने राम मंदिर शुरू कर लिया, क्या किया हमने, सारे काम जो करने थे कर लिए, पाकिस्तान चूं भी कर नहीं पाया, सिर्फ ये है कि एक न्यूसेंस वैल्यू है जो बार बार वो करता है। ये ऐसा एक वो जानवर बन चुका है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, ये बार बार तंग करेगा, क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई दे डू दिस। और सेकेंडली उनको ये भी पता है कि भी
मैक्सिमम क्या होगा, बाहर आकर एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, 30-40 कॉकरोच मारे जाएंगे वहां पर, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके कॉकरोचों की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारा मिलिट्री के लोग हैं, इनकी वैल्यू है हमारे लिए, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो जाकर हम 30-40 लोग मार देते हैं इनके, उसमें उसमें ना तो परमानेंट इलाज है और ना ही ये कोई सोल्यूशन है। अब एक ही काम करो, गो एंड ब्लास्ट देम कंप्लीटली। राइट, ब्लास्ट देम कंप्लीटली। और एक चीज के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये चीज के ब्लास्ट देम कंप्लीटली के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या टू साइड वॉर नहीं हो जाएगी? सर रोहित भाई, हिंदू धर्म में ना तो डरना सीखा है हमने, और हर 1,000 साल से हम मुकाबला करते आ रहे हैं, ना कोई सनातन को खत्म कर पाया, ना हिंदुओं को खत्म कर पाया, ना इस देश को खत्म कर पाया। आप इस चीज की परवाह ना करें कि भाई हमारा 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा कि 3 फ्रंट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चाइना की इतनी औकात नहीं है कि वो आज वॉर में जाए, क्योंकि जैसे ही वॉर में एंटर करने की कोशिश करेगा चाइना, उसके ऊपर सैंक्शन पूरे दुनिया के लग जाएंगी, और चाइना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे आर इकोनॉमिकली वेरी वेरी डाउन, दे आर ब्लैक बैकबोन हैज ऑलरेडी बिन ब्रोकन। पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास तो गोली चलाने के लिए गोली नहीं है भाई। अगर गोलियां होती तो जो बलोचिस्तान में हो रहा है या जो वहां पर अफगानिस्तान के जो टीटीपी वाले कर रहे हैं उनके साथ, उनका मुकाबला नहीं कर लेता। वहां तो पतलून भी उनके पास नहीं है, बेचारे अंडरवियर में भी उनके सामने खड़े हो रहे हैं कि माई बाप आप हमारी चौकी ले लो, हम घर जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास गोलियां नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, खाना उनको मिलता नहीं है, घास खा रहे हैं। ऐसी कौम और ऐसी आर्मी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। वी आर ऑलवेज, हमारी जो आर्मी है दैट इज एवर रेडी। आप कभी भी देख रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, जैसे ही उन्हें मिलेगा गो हेड, they will be ready to go ahead in 1 hour. That is the preparation which Bharat has. And हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना हमारे पास तेल की कमी है जो पाकिस्तान में है, ना पैसे की कमी है, ना असले की कमी है, ना जज्बे की कमी है, ना आर्मी के अंदर मर मिटने का जो जज्बा है उसमें कमी है, ना लोगों में इस चीज की कमी है। हम भी अपने भारत की फौज के साथ और गवर्नमेंट के साथ पूरा खड़े हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, ये एक बार ये सेपक खत्म होना चाहिए, अदरवाइज ये 24 की इलेक्शन तक ये हमें ऐसे ही तंग करते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर अस। राइट, ये भी चीजें हुई हैं। हमारे जो जो जवान शहीद हुए हैं, खास तौर से एक जवान जो के अभी कुछ टाइम पहले ही आर्मी उसने ज्वाइन की थी, एकदम यंग लड़का था, 3 बहनों का इकलौता भाई, एक नया घर बनाया था उसने, और वो उस घर में शिफ्ट होने वाले थे, आना था उसे छुट्टी से और शिफ्ट कराना था, नहीं हो पाया। उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, जब वीर गति को प्राप्त होगा। और हमारे तीन तीन जवान, हमारे एक डिप्टी एसपी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, वो भी अभी उनकी 29 दिन की एक बेटी थी, उन्होंने गोली लगने के बाद फोन भी किया अपनी वाइफ को कि मेरे को गोली लग गई है, मैं बचूंगा नहीं, बच्चे का ख्याल रखना। तो इस तरीके की सिचुएशन, जिनका नाम मकबूल भट्ट कुछ ऐसा नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भट्ट साहब, ये हमारे जवान कब तक हम शहादत देते रहेंगे, कब तक वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे, कब तक हमें सब कुछ झेलते रहेंगे? रोहित भाई अब बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया सम्मान पाकिस्तानियों को, और इन कुत्तों को वही आंसर होना चाहिए जो ये औकात इनकी है। मुसलमान हमेशा पीठ पे चूरा घोपने के लिए माने हुए हैं, हमने 1,000 साल से हमने देख लिया, दुनिया ने 1400 साल से इनको इस कौम को बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक वो हमारे देश के अंदर है या वो पाकिस्तान में है या कहीं और है, जो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा वी हैव टू टैकल देम इन द चाइना मॉडल। मैं बार बार आपके चैनल पे बोला है मैंने, जो चाइना का मॉडल है वही मॉडल पाकिस्तान के साथ और हमारे अंदर देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं इनके साथ वही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक योर कंट्री फॉरवर्ड। मोदी जी बोलते हैं कि मैं 2047 तक इस देश को एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा। हाउ विल यू डू इट? आपके वेस्ट के ऊपर इतना बड़ा दुश्मन है जो आपको हमेशा जख्म देने के लिए तैयार रहता है, आपके नॉर्थ में चाइना है, आपके घर के अंदर गद्दार बैठे हैं गली गली में, हाउ विल यू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड? उनका तो मकसद ही है कि कंट्री कभी तरक्की ना करे और हम इसको टेक ओवर कर लें। आपको कहीं ना कहीं जाकर जब तक आप स्ट्रांग जवाब नहीं देंगे कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। आज अमेरिका को लोग सीरियसली लेते हैं, चाइना को नहीं लेते। रीजन क्या है? अमेरिका को अगर आपने हाथ लगाया
तो वो इमीडिएटली उसका आंसर देते हैं. चाइना ने कभी आज तक जवाब नहीं दिया किसी को भी. सो दिस इज द डिफरेंस. इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, आपको लोग सीरियसली ले, आपको अपनी कंट्री के लोग आपको सीरियसली ले, आपको अब जवाब देना पड़ेगा. आपके पास चॉइस नहीं है. मैं बार बार मोदी जी को बोलता हूँ, मोदी जी आपकी प्रॉमिस थी फुल एंड फाइनल, कहाँ गई वो प्रॉमिस? राइट right. वो होना चाहिए, जल्दी होगा. हमारे उस हमारे शहीद भारत माता के शहीद बेटे का नाम हुमायूं मुजम्मिल भट्टा याद तिवारी बोल रहे हैं. और एक और जनाब ने नाम बताया, थैंक्स अलॉट, दुर्गेश कटियार नाम इनका, इन्होंने बताया थैंक्स अलॉट. मैं स्लिप कर गया था और नाम से, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में और मसरूफ था. अभी ये आपके वीडियोस भी देख रहे हैं, आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें. एक और चीज, हमारा दूसरा टॉपिक आज का, ये जो हमें हमें करना चाहिए, हमें हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, और मैं इसका हिमायती हूँ. साथ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मैं इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं चेंज हो रहा है, इंडिया दैट इज भारत. हम इंडिया पे भी हमें फक्र है और भारत पे भी फक्र है. साथ में मैं इंडिया इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन ओशन को भारत का मानता हूँ, और वहां पे हमारा राइट वो भारत ओशन नहीं है, वो इंडियन ओशन है. तो क्योंकि एक जियो स्ट्रेटेजिक आदमी के लिए, रोहित भाई उसको भारत महासागर बोला जाता है शुरू से, और वो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन ओशन है, वो भारत महासागर ही है. और वहां में बचपन में हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर है. सो इट इज ऑलरेडी देयर. ये तो गोरों ने नाम सारे चेंज करके जो उनको सूट करता था उन्होंने कर दिया. सो ऐसा नहीं है कि भारत नाम चेंज नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है. नहीं, वो आ गया, उस जो स्पेशल सेशन हो रहा है उसका वो आ गया है, डिटेल्स आ गई हैं. उसमें पोस्टल बिल आ रहा है, उसमें एडवोकेट्स का बिल आ रहा है, उसमें ये बिल नहीं है. और इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का नाम पहले से ही भारत है, और इंडिया नाम हम साथ रखेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि Anyways, इंडिया that is not the हमारे matter. नाम पे. रोहित भाई अभी कोई मैटर नहीं है, इंडिया है या भारत है, दिस इज अवर नेम. व्हाट इज द मैटर राइट नाउ इज पाकिस्तान, और इसको कैसे सीधा किया जाए. दैट्स इट. अब हम दूसरे चाहते हैं, क्योंकि एक जनाब ने कमेंट किया था रोहित इंडिया लिखा करो, इंडिया की जगह भारत बोला करो. इससे मैंने क्या, भारत है मैं इसे भारत भी बोलूंगा, मैं इसे इंडिया भी बोलूंगा. भारत हमारा नाम कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. आज से नहीं, हम 100 साल से ऊपर से भारतीय बोल रहे हैं, हम 1000 साल से ऊपर से भारतीय हैं, हम तब से भारतीय हैं. और भारत नाम हमारा महाभारत के नाम से, महाभारत के टाइम से, इसलिए. और इंडिया के इंडियन ओशन है, हम दोनों नाम को अपने हाथ में रखे. और मैगस्थनीस ने एक किताब लिखी थी 300 बीसी में, जिसका नाम था इंडिका, तो इंडिया के नाम पे लिखी थी. और ये दोनों, अगर अगर हमने इंडिया नाम छोड़ा तो पाकिस्तान ले सकता है, और पूरा ओशन पाकिस्तान के नाम पे जा सकता है. पाकिस्तान पहले ही इसे इंडिया नाम पे अपना क्लेम मार चुका है, आजादी के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, क्योंकि इसकी सिंधु नदी इंडस हमारे पास है, इसलिए इंडिया नाम हमारा होना चाहिए. तो पाकिस्तान गिद्ध की नजर आना है बैठा उस नाम पे, तो नाम हमें नहीं छोड़ना चाहिए. आते हैं हम वापस, रॉल्फ शॉ बोल रहे हैं सुमित सर स्ट्रेट फॉरवर्ड गए. सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, और ये चीज के स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे. अच्छा अच्छा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक अटैक, एक हमला किया 12 तारीख को. इन्होंने मांड इलाके में हमला किया था, अभी उन्होंने हमला किया ये बली चंगरी डैम, जहां पे 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है. अब मैं ये बताऊंगा, देखो वैसे तो मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं, ये फ्रीडम फाइटर्स है, और फ्रीडम फाइटर्स अपने लिए लड़ रहे हैं. बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह या जिसे बोलते हैं कि कब्रिस्तान बनता जा रहा है, वहां पे जा रहे हैं और मर रहे हैं, और इतने बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स नहीं मर रहे. ये क्या क्या सिचुएशन है, क्या पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं? रोहित भाई पहली बात ये है, आपने देखा होगा जैसे जैसे पाकिस्तान की आर्मी मार खाती जा रही है केपीके में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न है. आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पर 3 या 4 हमारे जो फौजी भाई हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, पूरा देश शोक मना रहा है. पाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन वहां पर जश्न है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन्होंने हमारी कंट्री का तबाह कर दिया. जब आपकी कंट्री आपके आपकी आर्मी के साथ ही ना खड़ी हो, तो ये एक परफेक्ट मौका है भारत के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी, केपी के लिए भी, इवन की जो कश्मीरी अब
वहां से आजादी लेना चाहते हैं, सिंध वाले वहां से आजादी लेना चाहते हैं, सबके लिए बेस्ट मौका है। इनको सपोर्ट अगर चाहिए, भारत को सपोर्ट करनी चाहिए। अब तो मैं कहता हूं कि ये लोग जो आजादी मांग रहे हैं, जैसे ये कश्मीर की आजादी के लिए बोलते थे कि कश्मीर पाकिस्तान वाले उनको सपोर्ट करते हैं, नाउ वी शुड स्टार्ट सपोर्टिंग देम डायरेक्टली। रोहित भाई देखिए, आपको स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जब आपके सामने दुश्मन पागल हो आपको भी वैसा ही एक जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज देखो उनके पास तो लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सांप भी मारें और लाठी भी ना बचे, देखिए कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बलोचिस्तान वाले लोगों को जो फ्रीडम फाइटर हैं रियल में उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। वी कैन गिव देम, अगर भारत की सरकार से नहीं होता है, मैं यहां से करने को तैयार हूँ, व्हाट एवर आई हैव आई कैन डोनेट टू देम कि भाई गो मारो इनको आर्मी वालों को, अगर ये हमारे यहाँ कुछ करते हैं आप 100 गुना ज्यादा वहां पर अटैक करो एंड वी विल सपोर्ट यू, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, भारत सरकार तो नहीं कर रही है उनको नो सपोर्ट, वी कैन लेकिन डू हाँ इट, हम लोग भारत हम सपोर्ट लोग तो इतने कर सक्षम सकते हैं, हैं। हम लोग रोहित भाई इतने सक्षम हैं, सारे मिलकर वी कैन सपोर्ट बलोच लिबरेशन आर्मी, कोई दिक्कत नहीं है। वी एनआरआईज कैन फंड एनीबॉडी। आप ये एक बार सिर्फ ये है कि ग्रीन सिग्नल की बात है कि हु इज गोइंग टू कम टुगेदर एंड फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर बलोचिस्तान एंड फॉर भारत ऑल्सो। भारत सरकार नहीं करना चाहती, वी कैन डू इट। यस, एक कमेंट है, कल भारत पाकिस्तान मैच कौन देखेगा? कल भारत पाकिस्तान मैच ही नहीं है, कल भारत श्रीलंका मैच है। फाइनल में श्रीलंका पहुंचा, पाकिस्तान नहीं पहुंचा भाई, तो हम इस पे देखेंगे। मिश्रा जी, मुझे लगता है आपकी ख्वाहिश थी कि इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन पाकिस्तान वालों ने वहां पर भी पैंट उतार कर बैट उठाकर भाग गए, और वहां पे वो इसलिए भाग गए थे क्योंकि वहां पे खाना बन रहा था, तो ये खाने की लाइन में लग गए थे, इनको था कि जल्दी से मैच खत्म हो और जाए। भारत के साथ भी इन्होंने ऐसे किया, जितनी इनकी जीडीपी के नंबर है उतने फर्क से तो ये भारत से हार गए थे। तो ये एशिया कप के फाइनल में नहीं है, ये कौम जो है सिर्फ पैंट उतार कर भागने वाली कौम है, वही इनके साथ हुआ है। सही बात है। अच्छा, आगे बात करें, एक और टॉपिक जो है, एक लेडी है जो कि बन गई है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, जिसका नाम है एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई है, मैं उनकी फोटो मेरे पास कुछ है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये है। ये मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कैसे बन गई, इसको किसने बनाया, किसने सपोर्ट किया, इस पर इंक्वायरी आ गई है। इंक्वायरी ऑर्डर किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जहां पाकिस्तान और वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंक्वायरी, जहां पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि टीटीपी कैसे घुस गई, इसकी इंक्वायरी हो, ये एरिका रॉबिन की इंक्वायरी कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान की आईबी मिस यूनिवर्स के पीछे, लड़कियों के पीछे घूमने शुरू हो गई क्या? रोहित भाई, इनकी तो जो कौम है ये तो शुरू से ही लड़कियों के ऊपर इनकी नजर रहती है, मौलाना हो गए, हुक्मरान हो गए, आर्मी हो गई, तो ये क्या नई बात है? उनको हैरानी इस बात की हो रही है कि ये लड़की हमारी नजर से बच कैसे गई। इंक्वायरी इस बात की है, ये इंक्वायरी नहीं है कि ये मिस यूनिवर्स कैसे बन गई पाकिस्तान, नॉट पूरे वर्ल्ड की मिस यूनिवर्स, पर हैरानी इस बात की है कि लड़की हमारे देश में इतनी सुंदर और हमारी नजर से बच गई, ये कैसे हो गया? तो इंक्वायरी उस बात की है क्योंकि वहां पे तो नजर रहती है इनकी हर चीज के ऊपर कि कौन सी किसको उठाना है, किसको लेके जाना है, किसकी किसके साथ शादी करनी है, तो ये चक्कर है और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अभी तो मौलाना आएंगे भाई, इसरो ने जो हरकत करी है मिस यूनिवर्स में खड़ा कर दिया इसको, ये नहीं होना चाहिए, ये पहले हमारे पास आनी चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे जाने के लायक है कि नहीं है। ये तो इनके मौलाना का, इनकी कौम का, इनकी देश का, इनके हुक्मरानों का ये हाल है। आपको पता नहीं क्यों इस बात के ऊपर इतनी हैरानी हो रही है? ये सिर्फ यही काम कर सकती है, लड़कियों को चेज कर सकती है, उन्हें अपने पास बुला सकती है, दैट्स ऑल। सो ये गंदी कौम है, इसके इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, उसने जो भी पाकिस्तान में होते हुए भी या पाकिस्तानी होते हुए, मुझे मालूम है कि वो पाकिस्तान में होकर ऐसे काम नहीं कर सकती, बाहर रहती होगी, और तभी उसने ये हिम्मत भी करी है, हैट्स ऑफ टू हर, बट उसका फ्यूचर ब्लीक है, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर हर। वो ये लड़की कराची की है, शायद अपने पेरेंट्स को बताए बिना वो चली गई प्रेजेंट में, और अपनी फैमिली को बताए बिना, और इसको कहीं फिलीपींस से सपोर्ट मिला, और इसके बाद मौलाना उन्हें इसके खिलाफ फतवा भी निकाल दिया कि ये मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में कैसे जाएगी। अब इसको मिस यूनिवर्स प्रेजेंट में जाना है, 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, 5 लड़कियों ने फॉर्म भरा है, उसमें से एक ये भी है। तो इसी पर इंक्वायरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी, इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने कभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया जो
जो मौलाना अपने घरों में बच्चों के साथ शोषण करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बचता। जो लड़कियों के साथ होता है पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी नहीं हुई। एक लड़की मिस यूनिवर्स में कैसे चली गई, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो देखेगी। बहुत बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया कंट्री है और इसी चीज पे इनकी इंटेलिजेंस लगी रहेगी। ये गेम क्या है, ये गेम क्या, ये चाहते क्या, क्या ये शरीयत के पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बच्चे बात मौलाना को नहीं छोड़ते। रोहित भाई, मैंने पहले बोला आपको, मौलाना हो जाए या हुक्मरान हो जाए, उनको हैरानी इसी बात की है कि लड़की हमारे नजर के नीचे से बच कैसे गई, ये वहां तक पहुंच गई है, अब पूरी दुनिया की नजर है, अब हम इसको हाथ नहीं लगा सकेंगे। तो ये इनकी हवस है और कुछ भी नहीं है, जिसके कारण ये इतना तड़प रहे हैं। देखिए रोहित भाई, ये मैटर उनका है, भाड़ में जाए, झरनू में जाए, जहां मर्जी जाए, बदतर गुरुओं के पास जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैटर एक ही है इस वक्त, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान और एनीथिंग। एक ही चीज है, वी वॉन्ट फुल एंड फाइनल वंस एंड फॉर ऑल, दैट्स ऑल व्हाट वी वॉन्ट। ये भारत की आवाज है, ये भारतीयों की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। और मुझे नहीं लगता, मुझे मालूम नहीं है कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि बेशक वो कट दें या परमानेंटली पूंछ काटें इनकी, लेकिन अब भारत छोटी जो है रिएक्शन के ऊपर सबर नहीं करेगा। ये मैं आपको मूड बता सकता हूँ पूरे भारत का, स्मॉल एक्शन विल नॉट कीप अस साइलेंट। एक मनोज छतारिया बोल रहे हैं कि क्या हम पीएलए को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा नहीं करती, किसी भी तरह की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हम नहीं करते। मेरा सपोर्ट पीएलए को नहीं, मेरा वायलेंस को सपोर्ट नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान मूवमेंट को मेरा सपोर्ट है, मैं वायलेंस को बिल्कुल नहीं करता हूँ। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। अभी टर्की गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और जाकर के उन्होंने जो बातचीत की है वो कि इंडिया का जो वो निकल रहा है ना, इंडिया के जो रास्ता उन्होंने, इंडिया ने ढूंढा ये गल्फ होकर के, इससे चाइना पाकिस्तान दोनों घबराए दिख रहे हैं। क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? रोहित भाई, भारत ने चाइना का BRI जहां पर था वहीं पे रोक लगा दी है, एक लकीर मार दी है, और पाकिस्तान को तुर्की तर्की में चाइना की तरफ से ही भेजा गया है कि तुम जाओ उन्हें मनाओ और गेम को खराब करने की कोशिश करो। तुर्की ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर इस प्रोजेक्ट का मुझे पार्ट नहीं बनाया गया तो हम मुस्लिम ब्रदरहुड को आपके ऊपर लगा देंगे, मतलब कि आईसिस, अलकायदा, ये सबको आपके कंट्री में तंग करने के लिए भेज देंगे। ये चाइना का प्लान है। पाकिस्तान एक उस एक जानवर की तरह है जो हम पेट रखते हैं घर में, बिल्ली कुत्ते रखते हैं हम लोग, वैसा है। जैसे ही पाकिस्तान की वो रस्सी खींचते हैं चाइना वाले, ये वहीं पे भाग जाते हैं जहां पे उनको जाने के लिए बोला जाता है। अभी ये पहुंच गए तुर्की सिर्फ इसलिए कि उसको बोला, उसको मनाने के लिए कि भाई आप गेम को खराब करो, गेम आप बना तो सकते नहीं, खराब करने के लिए मुसलमान सारे नंबर वन है। तो ये वहां पर कुछ भी है, इसका इसका ये नहीं है कि ये दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, दे जस्ट वॉन्ट टू स्पॉइल भारत गेम, और ये भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। रीजन बींग, भारत के साथ कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, अमेरिका, इसराइल, यूरोप। आपको लगता है कि पाकिस्तान की वहां पे कोई औकात है कि ये हमारी प्रोजेक्ट जो हमने अभी अनाउंस किया है उसके सामने खड़े भी हो जाएं? यस, चाइना चाहता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ये खत्म हो जाए ताकि उसकी जो दादागिरी है BRI में वो चैलेंज ना हो। लेकिन जिस दिन हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, इवन कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई, आप देखेंगे चाइना का जितने पत्ते हैं, पूरा देश ताश के पत्ते का महल जो खड़ा किया है, ये टूट के नीचे गिर जाएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा आतंकी संगठन जो कि खुद लीबिया का है और लीबिया में ही बैन है, और उसको कई कंट्रीज बैन रखते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ फुटप्रिंट्स हमें केरला में कुछ टाइम पहले मिले थे, हमने अच्छा ट्रैक डाउन किया, उसके बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन ये पाकिस्तान, इजिप्ट और लीबिया और इस एरिया में ज्यादा एक्टिव है। ये शायद इजिप्ट का है, इजिप्ट का है, और इसका इसका कहीं ना कहीं लिंक उस एरिया से बनता है। ये सीरिया में भी अपनी एक्टिविटी बहुत दिखा चुका है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कहाँ से है? तुर्की से, वो तो साफ दिखता है। क्या एनीवेज, इस पूरे गेम में बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक कब तक होनी चाहिए? विश्वास रखिए, ये तीन जवान, तीन भारत माँ के सपूतों की जो जो शहादत है, शहादत से ऊपर में मुझे सब लोग बोलते हैं यार शहीद मत बोला करो, ठीक है, ये जो वीर गति मिली है इनको,
इसकी ये खाली नहीं जाएगी, हम इनका बदला जरूर लेंगे, मैं दूंगा, आप लेंगे और पूरा देश लेगा। थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।